गया? बस बहुत हो गया। जब देखो काम काम काम, कभी थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लिया करो। चलो बैठ जाओ। ओके, अब खड़ी हो जाओ। बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ। अब जाओ और उस विंडो के पास जाके खड़ी हो जाओ। उधर उधर मुंह करके खड़ी हो जाओ। अब खिड़की से कूद जाओ। एक बात बताओ, तुम मेरी गुलाम हो? मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा ही करना है? सोनी, तुम कभी मेरी किसी बात के खिलाफ क्यों नहीं जाती? क्या मैं कभी गलत नहीं हो सकता? वीर, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन आप कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं सोनी, मैं भी गलत हो सकता हूं। मैं गलत तब था जब तुमने गलती से आयरन ऑन छोड़ दिया था और मैंने तुम पर गुस्सा किया था। वो गलत था। आई एम सॉरी सोनी। वीर, वो गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई थी। वीर, आप कभी कोई गलत बात करते ही नहीं है, और आप मुझे तब डांटते हैं जब मुझसे कोई गलती हुई हो। हाय रब्बा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो सोनी? बैठो। बैठो। माही, अरे तुम तैयार हो गई कि नहीं? अरे बाबा, कितना वक्त लगाओगी? अब तो ताई जी भी रेडी हो गई हैं, वो तो एक घंटा लगाती हैं। ओफ़, ये लड़कियां कब सुधरेंगी यार? माही जल्दी आओ प्लीज, कितना वक्त लगेंगे, ये लड़कियां सुधरेंगी ही नहीं यार। ये ड्रेस पहनने में तुमने एक घंटा लगाया। अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। तुम जानती हो तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हो? अगर रोज तुम इतनी खूबसूरत लगने लगी ना, तो मुझे रोज तुम्हें 2 घंटे की मोहलत देनी पड़ेगी। भगवान, दीदी मैंने कुछ नहीं देखा। अरे आंखें खोलो गौरी। दीदी सच, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो तू क्या यहाँ खड़ी है? मंदिर जाने के लिए इतनी देरी हो रही है? ताई जी भी इंतजार करे, तुझे समझता नहीं क्या? लो जी,
छुपा के खाओ लाली की दुकान के समोसे और कचौरिया। मैं आज खुद लेकर आया हूँ। कहाँ जा रही है? गर्मा गर्म समोसे खाओ। नहीं जी, आज मैंने ये समोसे नहीं खाने, आप लोग खा लो। आज तो मेरा व्रत है जी। व्रत है? भगवान, तुमने कब से व्रत रखना शुरू कर दिया? देखो जी, मुझे अपने पुण्यों का ढिंढोरा पीटने की आदत तो है नहीं। वो कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया विच पा। मुझे किसी ने कहा है कि सोमवार का व्रत रखने से ना घर में सुख शांति आती है, बच्चे ना सुखी रहते हैं। और फिर बच्चों के सुख के आगे सोमवार का व्रत क्या है जी? बच्चों के लिए तो मेरी जान हाजिर है। अब तो ये व्रत सूर्य अस्त के बाद ही खुलेगा वीर के पापा। बोले भंडारी तेरी माही माहे न्यारी। आज बरसों के बाद वीर के पापा कहा इसने। भाई, तुम दोनों ने अपनी सास का ख्याल रखना जरा। हाँ, ये व्रत उसकी उसी आदत नहीं है। अब दिन भर तो खा नहीं सकती कुछ भी, तो जूस वगैरह तो दे ही सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल पापा जी। टेक केयर। हाँ जी पापा जी। चल भी चलें, देर हो गई। हाँ पापा जी। हाँ चलो। आए ओ रब्बा, ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा? मर गई मैं तो भूख से, ये चेरी ने मुझे कहाँ फंसा डाला। मम्मी जी, मम्मी जी, व्रत रखने की वजह से आप बहुत कमजोर फील कर रही होंगी ना। मैं आपके लिए जूस या तो वो मसाला दूध। अच्छा ठीक है, व्रत की साबूदाना खिचड़ी लेके आओ। अरे सोनी, तुझे पता है ना मैंने जो व्रत रखा है उसमें सूर्य अस्त से पहले कुछ खाते पीते नहीं। बार बार मेरे सामने खाने पीने की चीजों का नाम ले रही है। आए ओ रब्बा, भूख के मारे जान निकली जा रही है। कोई फ्रूट भी नहीं है रूम में, क्या खाऊं? ज्योति खाना ले आई। ओए कहाँ खाना? कैसा खाना मम्मा, मैं तो आपके लिए खाना निकाल ही नहीं पाई। ओए तू खाना नहीं लाई? ओए यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मेरे पेट में चूहे बिल्लियां उछल कूद मचा रहे हैं। ओए तू खाना क्यों नहीं लाई, मर जानी है? मम्मा मैं गई थी किचन में खाना लाने, पर ऐन वक्त पे ना वो खसमानु खानी सोनी आ गई किचन में, और मैंने इस डर से कि कहीं वो मुझसे पूछ ना ले कि खाना किसके लिए ले जा रही है, खाना नहीं निकाला मैंने। ठीक किया ना मम्मा? बेड़ा गर्क हो इस सोनी का। आए मैं तो भूख से मर गई। और ज्योति, तू सोनी को ये नहीं कह सकती थी कि तू अपने वास्ते खाना निकालने आई है और चुपचाप लाके मुझे दे देती? और मैं भी ना आ गई चेरी की बातों में। ओए मेरा तो दिन भर का उपवास हो गया ना यहाँ पे। डोंट वरी मम्मी जी। अरे पीछे हट। ये लीजिए आपके लिए खाना, जिससे पहले किसी को पता चले आप जल्दी से खा लीजिए। आज तुझे क्या कि खाने का मजा क्या होता है? एक बात बता तेरी पुत्र, तू उसे ये नाटक क्यों करवा रही है? ओफ वो मम्मी जी, हैव पेशेंस, थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले आप आराम से खा तो लो। मम्मी जी, मम्मी जी, वो शाम तक आपको बहुत कमजोरी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके लिए चीनी डाल के पानी लाई। सोनी, कमजोरी तो अभी से अपना रंग दिखा रही है, देख नहीं रही हो? बेचारी मम्मा कमजोरी के मारे बात भी नहीं कर पा रही है। तो फिर तो आपको ये पानी पी लेना चाहिए। अरे सोनी, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मा मना कर रही है ना, नहीं पीना उन्हें तुम्हारा शरबत। देखो सोनी, मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों मम्मी को संभालेंगे, तुम जाओ उधर से। ओके देख नहीं रही हो सोनी, तो नहीं चाहिए तुम्हारा ये चीनी वाला पानी।
तुम जाओ ना यहाँ से, प्लीज जाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी गई। अभी तक खाना नहीं खाया? अब मैं क्या जी, अभी तो मेरी पूजा खत्म हुई है, अभी कुछ खा लूंगी। वीर मानना पड़ेगा तेरी मामा को। हाँ पापा जी। सोनी जी, सोनी जल्दी से जाओ और मामा के लिए एक ग्लास जूस लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। इतना जिद करती हो दुर्गा, आधे दिन का व्रत काफी नहीं था, पूरा दिन रखने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बच्चों की सुख शांति चाहिए। मैं क्या जी, भोलेनाथ मेरे बच्चों को खुश रखना, चाहे भूख के मारे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पीते हैं तो? मम्मी जी जूस ले आई पुत्र, जूस ला दे। एक मिनट मम्मी जी। मम्मी जी इसे पीने से पहले आप इसमें थोड़ी सी चीनी तो मिला लीजिए। वैसे भी आजकल मुसम्बिया इतनी खट्टी आ रही है, आप इसे चीनी के बिना पी नहीं पाएंगी। और सोनी पुत्र, तूने इसमें चीनी तो मिलाई है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने चीनी डाली है उसके अंदर। चीनी डाली हुई है? मम्मी जी चीनी कैसे डाली हो सकती है, ग्रोसरी वाला तो अभी चीनी दे के गया है। वो बाकी के सामान के साथ चीनी भूल गया था, बेचारा खुद आया है चीनी देने। ये देखिए चीनी का पैकेट। लेकिन अंदर चीनी थी, मैंने जो पैकेट खोला था उसके ऊपर शुगर लिखा हुआ था। सोनी कहीं तुम इस पैकेट की बात तो नहीं कर रही? किचन में सिर्फ यही पैकेट रखा था ना? हाँ यही था। अच्छा और मैं इसे पीने जा रही थी।
रब्बा 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 काई हो रब्बा, इसमें इसमें ऐसे पाउडर था मैक्या जी, और मैं तो इसे पीने जा रही थी। नहीं नहीं, मैंने जो पैकेट खोला था उसके ऊपर शुगर लिखा हुआ था, ये वो पैकेट नहीं है। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सोनी किचन में यही एक पैकेट रखा था जो कि खुला हुआ था, और ये दिखने में बिल्कुल शुगर जैसा है। रब्बा 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 हाय मेरे रब्बा, इसमें एसिड पाउडर, और मैं इसे पीने जा रही थी। सोनी तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? यहाँ मॉम हम सबके लिए व्रत रख रही है, इस घर के लिए व्रत रख रही है, इतनी तकलीफें झेल रही है, और तुम हो के पुत्र जी, जब भी कोई पैकेट खोलो उसे देख लेना चाहिए ना, है क्या, पढ़ लेना चाहिए क्या लिखा हुआ उसमें। हाँ पापा जी, मैंने पढ़ा था, उसके ऊपर शुगर लिखा था। सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओफो सोनी, तुमने एक ही बात की रट लगा रखी है, तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? हो गई गलती, ठीक है, तुम्हें कोई फांसी भी तो नहीं चढ़ा देगा ना? पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ होता है। देखा था ना वीर, उस दिन कैसे जल्दी प्रेस सिमरन के पास छोड़ गई थी। सिमरन बेचारी तो जाली जाती ना, देख मेरे जूस में ना एसिड पाउडर मिला दिया, और मैं क्या जी, मैं इसे पी लेती तो पता नहीं इसके मन में क्या है। मुझे तो अब इससे ना डर लगने लगा है मैं क्या जी। आयो मेरे रब्बा, पहली बार आना तो इस मंदिर में, ये देख ये है मेरी मन्नतों का मंदिर, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। अब आओ चलिए जी। ताई जी, मैं पूजा की थाली ले आऊं? हाँ हाँ पुत्र। देख रही है बिल्लो, ये लड़का नास्तिक था, लेकिन आज माता रानी का बुलावा आया तो पूजा की थाली भी चाहिए। सब भाई पुत्र का कमाल है, इसने हमारे पुत्र का साव मुंडा बना दिया। चल कहते हैं माता रानी से जो भी दिल से मांगो वो जरूर देती है। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी कि तुम दोनों एक हो जाओ, और आज देखो माता रानी के चौखट में तुम दोनों साथ खड़े। Thank you.
देख रहे हो शायद? मैं यहाँ माता रानी से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन माही माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। I'm really sorry. नहीं शा, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल चुकी हूँ, और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने कल को भूल जाओ। मैं सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहती हूँ, हमारे कल के बारे में। हम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश। जी, मैं इन सबको प्रसाद देकर आती हूँ। मैं गाड़ी लेकर। चलो भी चलो, यहाँ तो भीड़ लगा के खड़े हैं। आ जाओ। माता का प्रसाद। माता का प्रसाद। माँ जी, माता का प्रसाद। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। नहीं जाएगी ना, और बेटा तुम चुप क्यों है? मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना बेटा, कहाँ चल गई तुम? एक छोड़ भाई, अरे हाथ छोड़ो, अरे छोड़ो हमारी माई का हाथ, हाथ छोड़ो। ये ओहो, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, अरे हाथ छोड़ो। छोड़कर मत जा बेटा, रुक जा, मेरी बच्ची रुक जा। माही माही,